अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, आई एम मिस्टर फारूक अहमद, टीचर BMS करालपुरा एंड पैंडमिक। होप यू ऑल आर फाइन बाय द श्योर मर्सीज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट पोएम, स्टार स्पीक टू मैन, फ्रॉम क्लास 8th इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड बाई JK बोस। डियर स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज एक्चुअली रिटन बाई उबलाद आज़ाद, अ वेल नोन कश्मीरी मॉडर्निस्ट पोइट, एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी इन इंग्लिश by Professor G.R. Malik. Dear students, before going thoroughly through the actual lines of this poem, let me firstly give you an introduction about the author and the poet, and then the poem accordingly. Dear students and viewers, Abdulahad Azad जो पैदा हुए थे 1903 में, और इनकी जो वफात हुई थी वो 1948 में हुई थी। ये कश्मीर के एक माने जाने पोइट थे, और जो मॉडर्न पोइट्री है कश्मीर में, इसके बानियों में उबलाद आज़ाद का नाम गिना जाता है गुलाम महजूर के साथ। आज़ाद को जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पे ये बात जाननी ज़रूरी है, क्योंकि जॉन कीट्स और आज़ाद जो है वो दोनों मॉडर्निस्ट पोइम्स लिखते थे, और दोनों की जो मौत वाक़ा हुई है वो अर्ली 40s में हुई है। ये स्टूडेंट्स, उबलाद आज़ाद के बाप का नाम, अब उसके वालिद का नाम सुल्तान डार था, और उसने जो किताबें लिखी हैं उनमें कलियात आज़ाद हैं और हरा मैंने सबा बहुत मशहूर हैं। इसके साथ साथ उबलाद आज़ाद जो है इसकी ये एक ऐसा शायर था, यानी उसकी शायरी जो थी उसमें एक ऐसी खसूसियत थी जो जवानों को जज्बाती करता था, यानी उसकी शायरी जो थी वो जवानी वो जवानों को जज्बाती जवान जो थे उसे जज्बाती वो आज़ाद साहब की शायरी जो है वो पढ़ के जज्बाती हुआ करते थे। अब जो ये पोएम है स्टार स्पीक में, इसमें क्या होता है, जो पोइट यानी उबलाद आज़ाद हैं वो स्टार्स को अपनी आवाज़ देता है, यानी स्टार्स जो है इंसान उससे मुखातिब होकर बातें करते हैं, और स्टार्स जो है इंसानों को बताते हैं कि आप क्या थे, आपने अपने आप को क्या किया, आपको अशरफ मखलूक़ात बना गया था लेकिन आपने इस चीज़ को हटा दिया, आप मटेरियलिस्टिक बन गए, आपने उस सेंसिटिविटी को ख़त्म कर दिया जो आपको कुदरत ने दिया था, आपने सबको छोड़कर अलग ही राह यानी शैतान की राह इख्तियार कर ली। इसी को हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है मैं उबलाद आज़ाद। यू आर द लाइट ऑफ रीज़न, यू आर द लाइट ऑफ रीज़न, बट यू चूज टू बी फायर ओ मैन। आपको इंसानियत का नूर बनाया गया था, दानाई का नूर बनाया गया था, आपको दानाई अता की गई थी, बट यू चूज टू बी फायर, लेकिन आपने शैतान की राह इख्तियार कर ली, आपने आग चुनी। यहाँ पे जो है जो स्टार्स हैं इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने दानाई का नूर दिया था, आप दानाई के नूर थे, लेकिन आपको अच्छे रास्ते पर चलना था, आपको दिमाग का सही इस्तेमाल करना था, आपको जो अल्लाह ताला ने जो कुव्वतें दी हैं, कुव्वत नातिका, कुव्वत बासिरा, कुव्वत शामा, उन सब को आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल करना था, और अच्छी राह वो अपनानी थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने शैतान की राह इख्तियार कर ली। आपको जन्नत के लिए बनाया गया था लेकिन आपने जहन्नम चुन लिया। तो इसी तरह जिस तरह से जो स्टार्स हैं वो इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हमें कुरान करीम में हमसे मुखातिब होकर कहता है कि आप अशरफुल मखलूकात थे। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। वी हैव क्रिएटेड द ह्यूमन इन द बेस्ट वे, यानी यहाँ पर जो बेहतरीन साख्त है, बेहतरीन साख्त मीन्स अशरफुल मखलूकात, इंसान के बेहतरीन साख्त पर पैदा किए जाने का मतलब यह है कि इसको आला दर्जे का जिस्म अता किया गया है जो किसी दूसरी जानदार मखलूक को नहीं दिया गया। उससे फ़िक्र व फहम, फिर से सुनिए, इससे फ़िक्र व फहम और इल्म व अक़ल की बुलंद पाया काबिलियतें बख्शी गई है जो किसी दूसरी मखलूक को नहीं बख्शी गई है। सबसे बेहतरीन जो ही वो काबिलियतें जो हैं, गुण जो हैं, वो इंसान को अता की गई है। फिर से इस पर आते हैं, आपको अच्छे रास्ते के लिए चुना गया था लेकिन आपने, यू आर द लाइट ऑफ रीज़न बट यू चूज टू बी फायर ओ मैन, आपको अच्छे रास्ते के लिए चुना गया था आप, लेकिन आपने क्या किया, आपने बुरे रास्ते चुन लिए,
आपने जहनम के रास्ते चुन लिए, आपको जन्नत के लिए बनाया गया था लेकिन आपने जहनम की आग चुन ली, आपने शैतान का जो आग था आपने शैतान का आग चुन लिया। यू पुट ह्यूमनिटी टू डिसग्रेस, हाउ कैलस ऑफ यू मैन, आपने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हाउ कैलस ऑफ यू मैन, कितने जालिम हो आप इंसान, आपने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नेचर हैड फैशन ड्यू टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन, बनाया था आपको कुदरत ने, नेचर हैड फैशन ड्यू, आपको कुदरत ने इस तरह बनाया था टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन, कि आपको आप बांट लेते प्यार और मोहब्बत, यानी आपको अल्लाह ताला ने बनाया था प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फैथ इंस्टेड, लेकिन बजाय इसके तुम लगे मजहब और एतिकाद को बेचने, यानी आपने मजहब और एतिकाद को बेच दिया। आप मजहब और एतिकाद जो है उनका फ़ायदा उठाते रहे और अपना फ़ायदा उठाते रहे और उसको मजहब और एतिकाद का नाम देते रहे। आपको जहाँ पे आपको अपना फ़ायदा होता है वहाँ पे आप बोलते हो कि मैं मज़हब अपना रहा हूँ, लेकिन आपको मज़हब अपनाना नहीं होता है, आपको अपना फ़ायदा उसमें होता है। देखते हैं फर्दर क्या कहते हैं। फर्दर स्टार्स स्पीक सेड टू मैन, नेचर हैड थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू, नेचर हैड थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू, कुदरत ने सारे खजाने खोल दिए थे आपके लिए, कुदरत ने आपके लिए सारे खजाने खोल दिए थे। यू हैड टू शेयर दम इक्विटेबली, आपने उनको बांटना था बराबरी पे। बट यू सेट सर्पेंट लाइक ऑन देम, लेकिन आपने क्या किया, आप जो खजाने थे जो दौलत थी आप उस पर एक अजदह की तरफ, एक शाहमार की तरह उस पर बैठ गए। जो शाहमार होता है ये अजदह होता है, ये बड़ा खूंखार होता है ये जानवर, ये अपने सामने जहाँ पे ये होता है वहाँ पे किसी को ही टिकने नहीं देता है। इसी तरह ये इंसान जो स्टार्स हैं इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं यू हैड टू शेयर दम इक्विटेबली, ये जो रिसोर्स हैं ये जो दौलत है आपको बराबरी में बांट लेनी थी, लेकिन आपने क्या किया, यू सेट सर्पेंट लाइक ऑन देम, आप एक शाहमार आप एक अजदह की तरह आपने इस सारी दौलत पर कब्ज़ा जमा लिया। वन वर्ल्ड वन मैन काइंड एज क्लोज टू वन अनदर एज द नेल टू द फ्लश, एक इंसानियत एक दुनिया एक इंसानियत एज क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं एज द नेल टू द फ्लश, जितने के नाखून हैं इस गोश्त के साथ, जितने के नाखून और गोश्त एक दूसरे के नज़दीक हैं इतने ही नज़दीक हैं इंसानियत और दुनिया। Who then ignited the fire of division and duality in your mind? फिर किसने आग लगा दी आपके दिमाग में, आपको किसने इस बात पर मजबूर किया कि आपने बेईमानी से काम लिया, आप जो दोगलापन अपना रहे हो, ये आप में से किसने भर दिया, ये दोगलापन आपके यहाँ किस क्यों आ गई, ये किस तरह से आ गई। हु देन इग्नाइटेड यानी आप में से आपको ये आग इस आग में किसने भर दिया, आपको ये आग किसने लगाई, यानी कि आपको ये आग आपके अंदर ये आग किसने जलाई, आपको इस बात के लिए किसने तैयार किया कि आपने बेईमानी से काम लिया, कि आपने दोगलापन से काम लिया, आप जो है सिर्फ दिखावा करते हो, बाहर से एक हो और अंदर से एक हो, यानी आप में दोगलापन आ गया है। फिर क्या कहते हैं उबला दाजा, यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्म विदाउट केयरिंग लीस्ट फॉर अनदर, धर्म और मजहब के सुतून होने का तुम करते हो दिखलावा बगैर एक दूसरे की परवाह किए। यू पोज टू बी, आप सिर्फ दिखावा करते हो, द पिलर ऑफ रिलीजन मजहब और धर्मा के सतून होने का तुम दावा करते हो, एंड धर्मा विदाउट केयरिंग लीस्ट फॉर ईदर, बल्कि असल में आपको न मजहब के लिए कुछ परवाह है न धर्मा के लिए कुछ परवाह है, आप इन दोनों के लिए मजहब के लिए कुछ केयर करते हो न रिलीजन का कुछ केयर करते हो। सीइंग योर शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज़ फॉलन इनटू लिमिट, देखकर तुम्हारे शर्मनाक अमाल इंसानियत डूब गई है,
यानी इंसानियत जो है आप पर मातम करती है, लेमेंट आप पर मातम करती है, आपको ये कारनामे देखकर, आपके शेमफुल डीड्स देखकर इंसानियत जो है आप पर मातम करती है। ए इंसान, शुड मैनकाइंड योर ओन एंड प्रोफेस रिलीजन एंड फेथ, क्या इंसान को, क्या इंसान को तस्लीम करना चाहिए या प्रचार करना चाहिए या मान लेना चाहिए एक ऐसे मज़हब को, एक ऐसे एतिकाद को विच प्रिवेंट्स द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन इनटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर, जो इंसान के, जो इंसान को इस बात के लिए तैयार करे, जो इंसान को डिवीजन एंड डिसऑर्डर डिसऑर्डर के लिए दावत दे। क्या ऐसा कोई मज़हब इंसान को अपना लेना चाहिए, उस मज़हब की प्रचार कर लेनी चाहिए जो इंसान को गुमराह कर दे और तकसीम कर दे और अफरा तफरी के लिए तैयार करे इंसान को। नेक्स्ट लेकिन लाइन में देखते हैं क्या कहता है शायर, टू मिसचीफ एंड डिस्ट्रप्शन यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पेट्रियटिज्म, टू मिसचीफ एंड रिलीजन and to mischief and disruption you have given the name of religion and patriotism, fasad aur khalal andazi, fasad aur khalal andazi ko tumne diya hai dharm aur hubul watni ka naam, religion dharm and patriotism hubul watni ka naam apne diya hai kisko, sirf fasad phailane aur khalal andazi ko, afra tafri machane ko apne diya hai naam religion aur hubul watni ka, ye asal mein ye lekin hubul watni nahi hai, fasad uthana, ये खलल अंदाजी करना, अफरा तफरी उठाना, असल में ये हुबल वतनी नहीं है, हुबल वतनी कुछ और ही चीज़ है, ये कोई मज़हब है कि पंगे उठाना, सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर लेना। टू विच यू कॉल अवेकनिंग इज ए स्टूफाइंग हैंगओवर, वो जिसे तुम जागृति कहते हो, दैट विच यू कॉल अवेकनिंग, वो जिसे तुम कहते हो जागृति, इज ए स्टूफाइंग हैंगओवर, ये एक बहका देने वाला नशा है, ये सिर्फ एक नशा है, पता नहीं आपको क्या हो गया, आप किस नशे में हो, आपने कौन सा नशा इख्तियार, आपने कौन सा नशा लिया है, आपने पता नहीं कौन सा ये नशा जो है इसको अपना लिया है, पता नहीं किस नशे में हो आप कि आप इसको कहते हो डिस्ट्रप्शन को, आप कहते हो रिलीजन, इसको आप कहते हो पैट्रियटिज्म, अफरा तफरी को, फसाद फैलाने को आप कहते हो रिलीजन, इसको आप कहते हो पैट्रियटिज्म। Your own misdeeds have deluded you. आपके जो अपने काम हैं, आपके जो अपने बुरे अमाल हैं, जो बुरे करतूत हैं आपके, have deluded you, उन्होंने आपको धोखा दिया है, and you crumble against fate, और आप शिकवे करते हो, आप बोलते हो कि ये मेरी किस्मत में लिखा था, मेरी मुकद्दर में लिखा था, भाई ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये आपके जो बुरे अमाल हैं, ये जो आपके बुरे करतूत हैं, इन सब की वजह से आपका जो ये दिल है ये हड़बड़ा रहा है, आपका जो अंदर है, जो ज़मीर है, वो हड़बड़ा रहा है, और आप कहते हैं कि मेरी मुकद्दर में ये लिखा है, मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, ऐसा हालांकि ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके जो बुरे अमाल हैं उन्हीं की वजह से आप हड़बड़ाते रहते हो ज़िंदगी में। स्टिल परसुइंग द हैकनेट वेज, हाउ कैन यू फ्री अक्रॉस, आप अभी भी वही पुराने तौर तरीके अपने, यानी दिल में हसद लिए फिरते हो, दिल में कीना लेके फिरते हो, आप कैसे पार लगोगे, आपकी ज़िंदगी कैसे पार हो जाएगी इंसान, आपकी ज़िंदगी तुम, यानी तुम कैसे कामयाब रहोगे अपनी ज़िंदगी में इंसान। स्टिल परसुइंग द हैकनेट वेज, हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस, आपको आपकी ज़िंदगी को कैसे पार लगेगा जबकि आप वही पुराने रास्ते पुरानी तौर तरीके आप अपना रहे हो। योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग, योर विजन क्लाउडेड बाई फैंटसीज, आपके ख्यालों ने आपके आँखों पर, आपके जो ये गंदे ख्याल हैं उन्होंने आपकी आँखों पर पट्टी बांधी है, आपकी ये सोच जो है इसने आपकी आँखों पर पर्दा डाला है, बेचैनी में आपका दिल हड़बड़ा रहता है, ये आप पता नहीं आप क्या ख्वाब देख रहे हो। स्टिल योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग, योर विजन क्लाउडेड बाई फैंटसीज, यानी आपका जो ये आपकी जो आँखें हैं इस पर आपकी गंदी सोच ने पर्दा डाला है। ऑल दिस इज़ ए फैंसीफुल ड्रीम, नाउ वेक अप ओ मैन वेक अप, ये सब एक ख्याली ख्वाब है, जो कुछ आप करते हो, जो कुछ आप सोचते हो,
गंदा सोचते हो, आप ये सोचते हो कि इस तरह होगा, यानी पता नहीं कितने गंदे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। असल में क्या है, ये आपके गंदे ख्यालों की वजह से आपकी आंखों पर पट्टी है। अब जो आप सोचते हो कि ये आप सोचते हो कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, उसमें कामयाब हो जाऊंगी, आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो जाओगे। आप ऐसा ऐसा जो नज़रिया ये अपना के आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो जाओगे, ये एक ख्याली ख्वाब है, ये एक ख्याली ख्वाब देख रहे हो आप इंसान, आप एक ख्याली ख्वाब देख रहे हो। नाउ वेक अप, अब जाग जाओ, बेदार हो जाओ इंसान, अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ, जाग जाओ। फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर्ड योर व्यूज लाइक पार्ट ऑफ योर ओन हार्ट, वो दोस्त और रिश्तेदार, वो दोस्त और जो साथी हु शेयर्ड योर व्यूज, जो आपके दुख में बराबर के शरीक हुए, यानी जिन्होंने आपका दर्द दुख दर्द उसी तरह बांटा, यानी आपकी जो पेन है उनको भी ऐसी ही पेन थी, आप जब दुख में थे तो वो भी इसी तरह आपके साथ दुख में थे। लाइक पार्ट ऑफ योर ओन हार्ट, यानी तुम्हारे अपने दिल के हिस्सों की तरह, यानी जिस तरह की पेन आपके दिल में थी उस तरह की पेन उनको भी थी, जो जब आपको दुख हुआ था, यानी जब आपको कोई मुसीबत आई थी उस तरह इसी तरह, यानी वो भी आप जब मुसीबत आप पर आन पड़ी या जब जो दुख आपको हुआ था वैसा ही दुख उनको भी हुआ था, वैसा ही हाल उनके ही दिलों को भी हुआ था उस दिन जब आप दुख में थे। हाउ कुड यू टियर दियर हॉट हॉट्स टू पीसेस यू ब्लड थर्स्टी मैन, कैसे कर सकते हो तुम उनके दिलों के टुकड़े टुकड़े, आई खून के प्यासे इंसान, आई खून के प्यासे इंसान। अब तुम उनके दिलों को जिन्होंने आपका दुख दर्द बांटा है उस टाइम, यानी आप उनके दिलों को कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। इन योर ओन गार्डन यू कट रूट्स वाइल वाटरिंग ट्विग्स एंड लीव्स, आप अपने ही बागीचे में, यानी जिस बाग के तुम मालिक हो उसी में तुम क्या काम करते हो, तुम जड़ों को काट लेते हो। इंसान आप उन अपने बाग आपका जो अपना बाग है उसकी उसमें जो बाग है आप उन दरख्तों के यानी उस बाग के आप जड़ें काट लेते हो। यू कट रूट्स वाइल वाटरिंग ट्विग्स एंड लीव्स, और क्या करते हो, शाखों को और पत्तों को मुअत्तर करते हो, उनको पानी दे रहे हो। इंसान ये ठीक नहीं है कि आप जड़ें काटते हो और बाहर से जो लीव्स जो हैं और ट्विग्स जो हैं उनको मुअत्तर करते हो, इससे क्या फ़ायदा होने, इससे कुछ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यानी यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आप अंदर से कुछ और हो, आप बाहर से दिखाते हो कि मैं इंसानियत का अलमबरदार हूँ, मैं इंसानियत का ठेकेदार हूँ, मैं मज़हब का ठेकेदार हूँ, हालांकि अंदर अंदर आप मज़हब को भी खोखला करते हो, इंसानियत को भी खोखले करने पर तुले हुए हो और बाहर कुछ और दिखा रहे हो, बाहर दिखा रहे हो कि मैं ही इंसानियत का ठेकेदार हूँ, मैं ही इंसानियत की परवाह करता हूँ, हालांकि अंदर से आप बिल्कुल इसको खोखला करते हो, इसको इंसानियत को शर्मसार करते हो, अपने जो मैनकाइंड है इसको शर्मसार करते हो। योर ओन होम यू रैंसैक एंड रिवेज एंड टियर अपार्ट, आप अपने ही घर को तुम लूटते हो, अपने ही घर को तुम लूटते हो, उजाड़ देते हो, यानी इसकी मिसाल ये है कि कोई अपने घर में ही चोरी कर लेता हो, यानी अपने ही घर को आप, यानी अपने ही घर मीन्स योर ओन हो मीन्स मैनकाइंड, इंसानियत को आप बर्बाद करने पर उजाड़ने पर तुले हुए हो, तबाह करने पर तुले हो। एंड रिवेज एंड टियर अपार्ट, और इसको उजाड़ने पर उसको टुकड़े टुकड़े करने पर आप तुले हुए हो। इंसान अभी भी वक्त है, जाग जाओ, जाग जाओ इंसान, अभी भी वक्त है। ये जो आप करते हो ये बिल्कुल आप ठीक नहीं करते हो, आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया था, आपको बहुत अच्छी ऐसी काबिलियतें दी थी कि ऐसी काबिलियतें और किसी जो बहुत सारी मखलूक है दुनिया में उनको ऐसी काबिलियतों से नहीं नवाजा गया था जैसे कि आपको नवाजा गया था, लेकिन आपने जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया, आपको जन्नत के लिए बनाया गया था, आपने जहन्नम का रास्ता जो है इख्तियार कर लिया। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ आई होगी, इंशाल्लाह आपके साथ इसी प्लेटफार्म के ज़रिए फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपसे ये गुजारिश है कि इसी जो हेल्थ मंत्र है इसको अपनाइए आप, स्टे होम स्टे सेफ, महदूद रहो, सलामत रहो, थैंक यू
और हमें भी अपने दुआओं में याद रखना।